हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है IJS इंजीनियर चैलेंज। आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं और उसमें कौन सा शेप होता है और हर शेप में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे सामने 6 शेप बने हैं ट्रायंगल के। ठीक है, जो लेंथ ऑफ ऑल साइड आर डिफरेंट हो और लेंथ टू साइड आर इक्वल हो, लेंथ ऑल ऑफ साइड आर इक्वल हो, ईच एंगल एक्यूट राइट और ऑब्ट्यूज जो ग्रेटर देन 19 है इक्वल 19 है, तो ये हमारे शेप हैं 6 टाइप के। ठीक है, तो अब आप इस पेज में देखिए कि हमारे पास जो ट्रायंगल में ज्योमेट्री इसकी बनती है, जो दो डायमेंशन से मिलके ये हमारा 3 साइड बनता है। ठीक है, ट्रायंगल का, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये देखिए, जैसे कि ट्रायंगल में बेस एंगल हमारे होते हैं, एक्यूट होता है, राइट होता है और ऑब्ट्यूज होता है। एक्यूट में क्या होता है, ग्रेटर लेस देन 19 एंगल होता है, 1 एंगल होता है राइट एंड ग्रेटर देन होता है 19 एंगल। अब इसमें दूसरे में बता रहा हूँ राइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। ये जैसे आप देख रहे हैं लैंड सर्वे पाइथागोरस फार्मूला इसमें लगता है, हाइपोटेनियस अगर आपको फाइंड करना है और इसका एरिया निकालना है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसमें आप आ जाइए राइट एंगल का दूसरा, जैसे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस उसका एक रहता है, तो उसमें भी आपका सेम ही फॉर्मूला रहेगा, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, हम आप इसको अब आपको मैं बता रहा हूँ दूसरा जो हमारा आ रहा है, इक्वल लेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है कि सारे ट्रायंगल का डायमेंशन अगर हमारा सेम है, तो उसमें हम आपको बताते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जैसे आप शेप वाइज आप देखते रहिएगा वीडियो, जैसे अभी देख लिया हमारा एरिया सेम है, तो एरिया का फॉर्मूला √3/4a² एंड देन ए साइड ऑफ ट्रायंगल ए हाफ ए इंटू एच, ये हमारा होता है इक्वल लेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए, हम आपको नए नए वीडियो लाते रहेंगे। अब मैं आता हूँ स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें होता है एक्यूट और ऑब्ट्यूज। जैसे कि हमारा तीनों डायमेंशन डिफरेंट टाइप के हों, तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमारा ये तीनों डायमेंशन डिफरेंट टाइप के हों, तो इसमें फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू एस माइनस एस अंडर रूट में एस बी सी ए बी सी साइड ऑफ ट्रायंगल बाई 2। तो ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं स्केलेन ट्रायंगल निकालने के लिए। ठीक है, अब आइसोस्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, अब जैसे आप देख रहे हैं इसमें ए स्क्वायर एच स्क्वायर बी बाई 2 हाफ का है, जैसे हमें निकालना है, तो इसका भी ट्रायंगल का वही निकलेगा, एरिया बेस इंटू परपेंडिकुलर एरिया बी इंटू एच। जैसे आप ऊपर एच निकालना है, तो आपके लिए एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमारा कोई प्रॉपर्टी है, देख लीजिए 5a दिया है, सेम अगर डायमेंशन दिया है, तो हम कैसे फाइंड करें, तो टोटल एरिया हमारा ये आ रहा है प्लस a इंटू बी और टोटल एरिया ये आ रहा है, तो आप देख लीजिए इसका 4.43310² जो हमारा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है प्लस 5 इंटू 10। ठीक है, तो टोटल एरिया हमारा आ गया 93.30m². तो ऐसे ही आप हमारे YouTube चैनल में बने रहिए, आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो धन्यवाद, थैंक यू।